बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में शिरीनियाँ बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 3 कप गेहूं का आटा लिया है, 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी है और 4 पीस गुड़ के। सबसे पहले गुड़ को 1 कप पानी में मेल्ट कर लेंगे। पैन में मैंने 1 कप पानी डाल दिया है, अब इसमें गुड़ ऐड कर लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे। गुड़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है, अब इसको ठंडा होने देते हैं। अब सबसे पहले इसमें मेल्टेड घी ऐड कर लेते हैं। और हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब ये इस तरह होता है, तो अब ये तैयार है। अब इसमें मैं मेल्ट किया गुड़ भी ऐड कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, और इसको भून लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके इसको भून लेते हैं। इसको मैंने भून लिया है, इसमें सारा जो गुड़ का सिरप था इसमें मैंने ऐड कर लिया है और इसको भून लिया है। अब इस तरह हम इसके ऐसे करके इस तरह बना लेंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे। ये इसी तरह सारे बना लेते हैं। इसी तरह सारे बना लिए हैं मैंने। अब इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गरम हो जाए तो इसमें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गरम हो गया है तो अब इसमें एक एक करके डाल लेते हैं। अब इसका एक साइड फ्राई हो जाए तो इसको मीडियम स्टोव फ्लेम पे मैं पका रही हूँ, ताकि ये अंदर से पक जाए, ये एक साइड से गोल्डन हो जाए, तो फिर इसको पलट लेती हूँ। एक साइड इसका गोल्डन हो गया है तो अब इसको पलट रहे हैं। एक साइड इसका फ्राई हो गया तो अब दूसरा साइड इसका पलट दिए। इसी तरह दूसरा साइड भी फ्राई हो जाए तो इसको फिर निकाल लेते हैं। दूसरा साइड भी इसका फ्राई हो गया है, ये देखें, अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसी तरह सारे बना लेंगे। अब इसी तरह दूसरे भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता शिरीनियाँ तैयार हुई हैं। अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और खस्ता तैयार हुई हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार शिरीनियाँ तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। जो नए देखने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फिर नए रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।